अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 91 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वी केयर पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में इंसान फाउंडेशन की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया था और यहाँ पर ऑप्थल्मोलॉजी डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्जन्स थे कई। यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप का इसीलिए मुनक्कद किया गया था एहतमाम कि माहौल अभी जो चल रहा है वो डेंगू फीवर का चल रहा है और हर हॉस्पिटल लूटने पे तुले हुए हैं और ये जितने भी डॉक्टर्स है ये अंडर 30-32 है और ये यंग डॉक्टर्स है जो अपनी सर्विसेज यशोदा में, वीरनची में, ओलिव में और आपके काफ़ी हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल्स में दे चुके हैं और इनका भी मंशा यही है कि कम पैसों में अच्छी सर्विस दे। और ये लोग मेरे साथ दूसरी टाइम में अभी हेल्थ कैंप कर रहे हैं। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स है और आपके जनरल फिजिशियंस है, काफ़ी डॉक्टर्स है। ये आगापुरे के बिल्कुल रूबरू सुल्तान नवाज जंग मस्जिद के सामने है। नॉर्मल टाइम पे भी यहाँ पे बिल्कुल रीज़नेबल चार्जेस रहते हैं और बेहतरीन डॉक्टर्स है। जैसा कि हर हॉस्पिटल में लूटने पर तुले हुए है, यहाँ पर वैसा नहीं है। ये लोग अपने प्रोफेशन से ज़्यादा खिदमत देने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स के पास बताइए जो आपको आपकी तकलीफ़ के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं है। आज हमारा कैंप माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेसफुल गया और नियर अबाउट 320 पेशेंट्स आए। अभी शाम तक मैं समझता हूँ एक और 150-200 आदमी आएंगे और यहाँ पे हम फ्री मेडिसिंस दिए। ऑप्थल्मोलॉजी के डॉक्टर्स देखे, यहाँ पे सर्जन्स देखे, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स है हमारे पास। काफ़ी कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ समझिए और टेस्ट, काफ़ी ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये भी करे यहाँ पर फ्री हम। और आपको मज़ीद तफसीलात डेंगू के बारे में हमारे डॉक्टर वसीम भाई बताएंगे आपके कैसा इससे प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में इस बार, तो इससे प्रिवेंशन करना बहुत आसान है। बस फर्स्ट पहली चीज़ तो क्या है, मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपना घर और अपने सराउंडिंग साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मोस्टली ये मच्छर पलते हैं, तो इससे करना है। दूसरा तो अपने मस्कीटो के लिए कॉइल्स, लिक्विड्स यूज़ करना ज़रूरी है। छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो वो लोग कभी भी हो फुल स्लीव कपड़े पहनना ज़रूरी है मच्छर काटने से बचने के लिए। अगर अपन ये एहतियात करें तो